नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल अंतिम परीक्षा चुनावी शोर खत्म, पांच बड़ी घोषणाएं। UPSC 2021 के मुख्य परीक्षा 23 मार्च से परीक्षा कार्यक्रम जारी। UPSC कट ऑफ मार्कशीट जारी ना करने पर घिरा। उत्तर कुंजी तो दी पर अंक पत्र और कट ऑफ का पता नहीं। TGT PGT चयनितों का समायोजन नई सरकार में। 69,000 शिक्षक भर्ती, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को नोटिस, अमर उजाला जॉब अलर्ट। दोस्तों, जितनी अपडेट बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा। जो भी न्यूज़ रहती है मेरे द्वारा रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित या मॉर्निंग न्यूज। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कल जो है अंतिम परीक्षा का जो है चुनावी शोर खत्म हो गया और कल जो है दोस्तों अंतिम परीक्षा है, लास्ट जो है सातवां चरण जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों, यूपी में जो चुनाव हो रहे थे टोटल जो है सात चरणों में हो रहे थे, छः चरण का चुनाव खत्म हो गया है और सातवें चरण के लिए जो है चुनावी शोर का मतलब रैलियाँ, जितनी भी रोड शो जनसभाएँ थी वह सब खत्म हो गए हैं। अब कल जो है अंतिम परीक्षा है, 57 दिनों का सियासी समर। 8 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर और गोवा में चुनाव तारीख का ऐलान हुआ था। 5 मार्च को यूपी सातवें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमा। आप देख सकते हैं किसने कितनी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री जी जो है 28 रैलियां किए हैं टोटल, और अमित शाह जी जो है हमारे गृह मंत्री जी, इन्होंने 62 रैलियाँ, रोड शो ये सब किए हैं 62 लगभग। और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी 207 चुनावी रैलियाँ, रोड शो किए हैं यूपी में। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव जी की, इन्होंने 150 से ज़्यादा रैलियाँ, रोड शो, जबकि पिछले चुनाव में इन्होंने 205 रैलियाँ की थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है इसका तो फर्क पड़ता ही है। जो मुद्दे छाए रहें ज़्यादा करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि हाल ही में कितने राज्य में चुनाव हुए और किन किन राज्य में हुए उनके नाम बताइए। तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इस चीज़ को याद आप रखिएगा। और जो दोस्तों मुद्दे जो छाए रहे, यूपी में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आवारा पशु, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हावी रहे। पंजाब में किसान आंदोलन, नशे का कारोबार और सीमा सुरक्षा मुख्य। उत्तराखंड में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण पहाड़ी इलाकों से लोगों का पलायन बड़ा मसला रहा। और गोवा में कच्चे लोहे के खनन पर रोक। मणिपुर में सशस्त्र सेना विशेष कानून हटाने का मुद्दा छाया रहा। अब देखते हैं दोस्तों, जो बड़े जो है बड़ी घोषणाएं हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। यूपी में भाजपा ने हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी और लड़कियों के लिए स्कूटी देने का वादा किया है भाजपा सरकार ने। और सपा ने यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा किया, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात है, पुरानी पेंशन। क्योंकि कोई भी सांसद विधायक जब पार्लियामेंट में जाता है जीतकर, तो उसका पेंशन शुरू हो जाता है, चाहे वो ज़िंदगी भर जो है एक बार चुनाव जीत जाए चाहे उसके बाद कभी ना जीते, उसका जो है पेंशन शुरू हो जाता है। और वहीं जो सरकारी कर्मचारी हमारे सेना में हैं उन सभी लोगों का जो है रिटायर होने के बाद पेंशन बंद हो जाता है, चाहे टीचर हों। जबकि हमारे भविष्य, हमारे भविष्य की कड़ी जो मानी जाती है, सबसे मुख्य कड़ी टीचर होते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं, तब जाके आगे का रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, ये सब घोषणाएं जो है बहुत हुई हैं। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। अगले अपडेट में दोस्तों मैं आप लोग को यही बताऊँगा, आप लोग समझदार हैं, आप लोग का अधिकार है, मताधिकार आप अपना प्रयोग कर सकते हैं, जहां जो चाहे, वह किसी का दबाव नहीं रहता कि आप यहां पर वोट करें, यहां पर वोट करें, जो चीज़ आपको अच्छा लगे। लेकिन आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह देखते हुए ज़रूर जो है एक बार सोचिएगा कि हमें जो है कौन सी गवर्नमेंट बनानी है, जो हमें रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था दे, हम उन्हीं को लाएंगे। क्योंकि हम ऐसी सरकार को लाएं कि जिससे हम अपना मुद्दा, अपनी बात को रख सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट की। यह देखिए दोस्तों, PCS 2021 मेंस परीक्षा कार्यक्रम जारी, 23 से होगा। कोरोना के कारण स्थगित थी
28 जनवरी से प्रस्तावित यह परीक्षा कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित की गई पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 23 मार्च से प्रयागराज लखनऊ गाजियाबाद में कराई जाएगी। दो पालियों में होने वाली यह परीक्षा 27 मार्च को संपन्न होगी जिसे दोस्तों बता रहा हूँ आपको। कार्यक्रम भी जो इसका परीक्षा का कार्यक्रम जो है वह भी जो है जारी कर दिया गया है, आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उत्तर कुंजी तो दी पर अंक पत्र और कटाव का पता नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोस्तों आजकल जो है UPSC जो है अधिक चर्चित में है, चर्चा में ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप लोग सुने ही होंगे PCS 2019-20 की प्रारंभिक परीक्षा का जो कटाफ वो निकला था आपको बता रहे हैं, उसमें 38 क्वेश्चन गलत थे। जो आंसर के आई थी उसमें 38 क्वेश्चन बताया गया था कि गलत है। सोच लीजिए दो बड़ी परीक्षाओं में 38 क्वेश्चन गलत होना मायने रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2019 और 2020 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी तो जारी कर दी लेकिन अंक पत्र और कटाफ जारी नहीं कर सका। यही नहीं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 का अंक पत्र और कटाफ भी जारी नहीं हो सका। तो दोस्तों यह भर्ती जो है 2 साल बाद, लेकिन पता नहीं है कितने अंक पाने पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खबर है। कटऑफ मार्कशीट जारी ना करने पर घिरा UPSC। प्रारंभिक परीक्षा के कटऑफ जारी करने की मांग को तेज हो गई है दोस्तों। जो बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCS 2019 और 20 की है, उसका कटऑफ जो है जारी करने के लिए मांगा जा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले अपडेट की, शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ लगभग 3 सालों से विवादों में है। कहीं जो है कटाव को लेकर हो रहा है तो कहीं आरक्षण को लेकर हो रहा है, तमाम जो है विवाद चल रहा है। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को नोटिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हाईकोर्ट में तलब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती जो है इसका जो है विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। PCS की मुख्य परीक्षा के लिए आपको बता रहे परीक्षा कार्यक्रम जारी ही हो गया है, 23 मार्च से परीक्षा है। TGT PGT चयनितों का समायोजन, नई सरकार में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता समग्र PGT 2021 की भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में तय समय 31 अक्टूबर 2021 तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तो कराई लेकिन सब कार्यभार अब तक ग्रहण नहीं कर सके हैं। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है, TGT PGT चयनितों का समायोजन, नई सरकार जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है वह जो है समायोजन करेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों अमर उजाला जॉब अलर्ट की, जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में 89 पद मंडल और जिला संवर्ग पदों के लिए रिक्तियां हैं। अधिकतम आयु 40 42 43 48 तक रखी गई है। उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 10 मार्च लास्ट डेट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर बहुत अच्छे से डिटेल को पढ़ सकते हैं, तभी आवेदन करिएगा। BHEL में आवेदन 15 पद टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद हैं दोस्तों। आपको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 19 मार्च लास्ट डेट है और ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। इंडियन बैंक में रिक्त पद 202 पद आए हैं दोस्तों। अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में सुरक्षा गार्ड की भर्ती, आयु सीमा जो है 226 से 45 वर्ष मांग रखा है और यह मेरिट सूची जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी ऑनलाइन परीक्षा उसके हिसाब से चयन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च है। जो अभ्यर्थी इच्छुक है वह लोग यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अमर उजाला जॉब अलर्ट बताना बहुत ज़रूरी था, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वह जान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा चैनल पर, नए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप लोग के पास मौका है लेटेस्ट नई अपडेट रियल और ऑथेंटिक न्यूज पाने का। मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हर न्यूज जो है आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।